नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी 2-11। आईआईटी और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, क्लासेज नर्सरी 2-9 एंड 11। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने शुक्रवार को सिधारी आजमगढ़ पर तमसा नदी के किनारे आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए जा रहे पार्क का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने लगाए गए पौधों में नियमित रूप से पानी डालने हेतु निर्देशित किया। बाउंड्री के किनारे शेड वाले ऊंचे पेड़ लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने पार्क में एक किनारे छोटा तालाब बनाने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पार्क में बच्चों के लिए नए डिजाइन वाले झूले एवं अन्य उपकरण लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने पार्क में एक निर्देश बोर्ड भी लगाने के निर्देश दिए। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत कृषि विभाग परिसर में मतदान हेतु पीठासीन अधिकारियों को बस्ता में दिए जाने वाले लेखन सामग्री फार्म, पटरी, पेन, पेंसिल, गोंद, पीठासीन की डायरी, मेडिकल किट आदि की पैकेजिंग का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया कि समय से पैकेजिंग कर ली जाए। इस अवसर पर नोडल अधिकारी लेखन सामग्री परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी, सहायक नोडल अधिकारी लेखन सामग्री जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर गगनदीप सिंह उपस्थित रहे। कहते हैं कि खित्ते आजमगढ़ पे फैजाने तजल्ली है, यक्सर जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नियर आजम होता है और उसी की एक और मिसाल आपके सामने है। वीडियो में दिख रहे जनपद के इस लाल ने आईएएस बनकर जिले का मान सम्मान बढ़ाया है। जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के चेवता गांव निवासी अभिषेक कुमार के आईएएस बनने पर रोडवेज स्थित शहर के एक निजी होटल में भाजपा नेता समर प्रताप सिंह व उनके समर्थकों ने अभिषेक सिंह का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान मीडिया से हुई बातचीत में अभिषेक कुमार ने बताया कि वर्तमान में बिहार में वह शिक्षा पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। 2023 में उन्होंने तीसरे प्रयास में 620वीं रैंक पाकर आईएएस बने हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव के सरकारी विद्यालय से हुई है। उनके पिता कोलकाता में पीडब्ल्यूडी विभाग में कार्यरत हैं। उनकी सफलता में फैमिली के साथ पूरी सोसाइटी का सपोर्ट रहा। आगे उन्होंने बताया कि हमारा चयन पहले बिहार पीसीएस में रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर हुआ था, फिर उसके बाद बिहार में शिक्षा पदाधिकारी के पद पर हुआ और फिर 2023 में 620वीं रैंक पाकर में आईएएस बना। उन्होंने कहा कि अब समाज के लिए कुछ बेहतर करना ही उनका लक्ष्य है। इस दौरान स्वागत करने वालों में डॉक्टर अमरनाथ, संजय, सिद्धार्थ सिंह, विजेंद्र, नीरज, नितेश, उमेश, जयप्रकाश आदि लोग मौजूद रहे। चमता के रहने वाले हैं और फिलहाल बिहार में हम शिक्षा पदाधिकारी के पद पर नियुक्त हैं और इससे पहले हमारा ये तीसरा अटेम्प्ट था। 2021 में कुछ मार्क्स से हमारा रुक गया था और फिलहाल 2023 में हमारा सिलेक्शन हो गया है। और हम दो भाई एक बहन हैं और पिताजी पीडब्ल्यूडी में वेस्ट बंगाल में, और पूरी फैमिली का सपोर्ट रहा है, पूरी सोसाइटी का सहयोग रहा है, मार्गदर्शन रहा है और समाज की कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिन्होंने हमें मोटिवेट किया है। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में, एक तो एग्ज़ाम था, आने वाले समय में उम्मीद है कि अगर फील्ड में जाते हैं, काम करते हैं, वहाँ बेहतर कर सकें, वो हमारे लिए सबसे बड़ा परिणाम होगा। धन्यवाद। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? जी, प्रारंभिक शिक्षा हमारी च्यौता के विद्यालय, सरकारी विद्यालय से ही हुई है और उसके बाद फिर हमारी कॉलेज
हमारा कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ है और तब से फिर तैयारी में ही लगे हुए हैं। कितने साल तैयारी की आपने? तैयारी प्रॉपर 2019 से शुरू की थी हमने और उसके बाद फिर अटेम्प्ट देते रहे हैं। ये हमारा तीसरा अटेम्प्ट था जी। हाँ, इससे पहले हमारा चयन बिहार PCS में रिवेन्यू ऑफिसर और फिलहाल हम जो नियुक्त हैं वो एजुकेशन ऑफिसर के रूप में हमारी नियुक्ति हुई है बिहार में जी। फिलहाल वो लोग अभी कॉलेज में और जी जी पिताजी PWD बंगाल में जॉब करते हैं, माता जी गृहिणी हैं। हाँ सर, फिलहाल बिहार में सर्विस करते हुए हमने हमारा जो क्षेत्राधिकार था वो केवल शिक्षा तक ही सीमित था और वहाँ के तमाम चैलेंजेस देखते हुए और भी तमाम समस्याओं को देखते हुए, जैसे अगर किसी रास्ते से जा रहे हैं वहाँ ट्रैफिक लगा है तो देखते हैं कि वहाँ पे अगर कुछ ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं बट नहीं प्रशासन कर रहा है, तो उम्मीद करते हैं उन्हीं सब चीज़ों से प्रेरणा लेते हुए हमने क्षेत्राधिकार विशाल कर सकें और समाज के लिए कुछ बेहतर योगदान दे सकें, कार्य कर सकें, वहीं से हमने हम मोटिवेट हुए हैं और यही सब माध्यम रहा है। अच्छा, आप नौकरी में भी थे जी, आपने कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कितने घंटे? सर, परिश्रम तो काफ़ी किया हमने, फिलहाल हमारा प्रीलिम्स कभी नहीं रुका, मेंस कभी नहीं रुका, तो एक ही चीज़ है कि बच्चे अगर ईमानदारी, मेहनत और धैर्य के साथ लगे हैं तो वो आगे बेहतर कर सकते हैं और यही सफलता का एकमात्र तरीका है। आपने कोचिंग किया? हाँ सर, कुछ समय किए थे हम 4-5 महीने, बट बेहतर वो रिस्पॉन्स ना होने की वजह से फिर हमने खुद ही सेल्फ स्टडी के माध्यम से आगे की तैयारी पूरी की। बस यही है कि देखिए, एग्ज़ाम जो है वो मतलब एग्ज़ाम वो जीवन का अंग नहीं, जीवन नहीं है, जीवन का एक अंग है, इसको एक भाग के रूप में लें और बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुए बिना तैयारी करते रहें और कुछ जो अपनी परिस्थितियां हैं उन्हीं सब चीज़ों से मोटिवेट हों तो वो बेहतर कार्य कर सकते हैं उस पर। कितने घंटे पढ़ाई? सर वही नॉर्मली 8-9 घंटे रेगुलर करें तो बेहतर है। कौन सी रैंक है? सर 620 है जी। क्या करना चाहिए आप, बड़े पद हैं आगे? सर काफ़ी चैलेंजेज हैं फिलहाल, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह हैं उनका सही से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है, हम देखते हैं तो उन सब पे काम करना है और भी जो समाज सोसाइटी में दिक्कतें हैं उसके ऊपर देखते हैं, अगर प्रयास करेंगे कि बेहतर कर सकें वहाँ पे। सर कठिनाई सामना तो कुछ नहीं करना पड़ा, बच्चा मेरा पहले से ही टैलेंटेड था और कभी हम लोग कहें नहीं कि मतलब बेटा तुम पढ़ाई करो, क्योंकि इसके अंदर वो गुणवत्ता थी जी। सर्विस करते हुए जी बिल्कुल, अब लड़का तो बहुत ईमानदार है जी, आगे चल के बहुत अच्छा करेंगे, हमारा पूरा क्षेत्र आज समझिए बहुत गौरवान्वित है और बहुत खुशी का माहौल हमारे पूरे गांव में। सर हम लोग 3 भाई हैं, एक हमारे बड़े भैया PWD में क्लर्क हैं, एक हमारे इंटर कॉलेज के लेक्चर हैं जी, मैं फिलहाल इसमें घरे पे बस सोसाइटी समाज जी जी। बच्चे को लेकर मैं तो यही चाहूँगा कि बच्चा मेरा दिन रात तरक्की करे और समाज का और हमारे गांव का नाम रोशन करे, चाहते हैं। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष एवं सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत सामान्य प्रेक्षक डॉक्टर पी शंकर, जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज एवं मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना की उपस्थिति में हरियोद कला केंद्र आजमगढ़ में समस्त माइक्रो ऑब्जर्वर को प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर सामान्य प्रेक्षक डॉक्टर पी शंकर ने कहा कि आप लोग ऑब्जर्वर के आंख और कान की तरह होते हैं। उन्होंने कहा कि माइक्रो ऑब्जर्वर पोलिंग पार्टी का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि जनपद में जितने भी क्रिटिकल संवेदनशील बूथ हैं, उनकी रिपोर्ट तैयार कर उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि माइक्रो ऑब्जर्वर किसी भी प्रकार की सूचना को डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर माइक्रो ऑब्जर्वर तुरंत फोन या मैसेज नहीं करेंगे, बल्कि उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। यदि माइक्रो ऑब्जर्वर द्वारा समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है,
तभी सूचित करेंगे जिस पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन मतदान प्रारंभ होने से 90 मिनट पहले मॉक पोल किया जाएगा, जिसमें जहां पर आप लोग उपस्थित रहेंगे वहां पर आप मॉक पोल की प्रक्रिया पर ध्यान देते हुए सकुशल मॉक पोल कराएंगे। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा कि इस निर्वाचन में हम सबको बिल्कुल निष्पक्ष रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। हमारी जो भी व्यक्तिगत राजनैतिक राय हो उस राय को अपने तक ही सीमित रखेंगे। उन्होंने कहा कि समस्त माइक्रो ऑब्जर्वर प्रेक्षक के प्रतिनिधि के रूप में इस बात को देखने के लिए वहां तैनात हैं कि निर्वाचन कर्मी अपने दायित्वों का निर्वहन निष्पक्ष होकर कर रहे हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में उसका 100% अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने माइक्रो ऑब्जर्वर से कहा कि मतदान के दिन आप हर बात पर नजर रखेंगे, तभी आप अपने आख्या में उस बात को दर्ज कर पाएंगे। यह तभी संभव है जब आप भी निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में जानते रहेंगे। उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ के अंदर पूर्ण निर्णय लेने का अधिकारी केवल पीठासीन अधिकारी का होता है। उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ के अंदर मतदाता के अतिरिक्त केवल अधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश कर सकता है। स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर इंजीनियर कुलभूषण सिंह ने प्रशिक्षण में समस्त माइक्रो ऑब्जर्वर को 18 बिंदुओं की चेकलिस्ट के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें ईवीएम के माध्यम से मॉक पोल करना, मतदाताओं की पहचान करना, अमिल स्याही लगाना, पोस्टल बैलेट एवं ईडीसी वोटर, एसडी वोटर, ईवीएम की सीलिंग, 17A मतदाता रजिस्टर, 17C मतपत्र लेखा के विषय में विस्तार से बताया। सभी माइक्रो ऑब्जर्वर ने ईवीएम से हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लिया, जिसमें कनेक्शन करना, मॉक पोल करना एवं मॉक पोल के उपरांत सीआरसी करना तथा क्लोज बटन दबाकर मॉक पोल का मतदान समाप्त करना, फिर स्विच ऑफ करके ईवीएम को सील करना आदि स्वयं करके देखा। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह सहित समस्त माइक्रो ऑब्जर्वर उपस्थित रहे। स्वागत कर रहा हूं एक बार। आप में से कितने लोगों ने निर्वाचन से जुड़ा कोई दायित्व पहले निभाया है? अपना हाथ खड़ा करिए। ज्यादातर लोगों के द्वारा किया गया है, तो आप बहुत सारी प्रक्रिया को जानते होंगे, पर उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन अपने निर्देशों को समसामयिक परिस्थितियों के दृष्टिगत अपडेट करता रहता है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि यहाँ जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसको अपेक्षित गंभीरता से सुने। जैसा कि आपका पदनाम है, आप ऑब्जर्वर महोदय के सहयोग में उनके आंख कान के रूप में क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस पर या जहां वे उचित समझेंगे वहां तैनात रहेंगे। निर्वाचन कराने की पोलिंग बूथ पर जो जिम्मेदारी है वो कानूनी तौर पर पीठासीन अधिकारी की है। पोलिंग बूथ के अंदर की पूरी व्यवस्था का दायित्व तो पीठासीन अधिकारी का है, किंतु निर्वाचन की जो एक तरीके से क्वालिटी है उसके लिए आवश्यक है कि हमारी पूरी निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष हो और साथ ही साथ वह ये दिखे भी कि वह निष्पक्ष है। तो आप जितनी भी प्रक्रिया देखेंगे उसमें हम अपने हर कार्यवाही को सभी प्रत्याशियों को बताते हैं। कौन सा ईवीएम किस पोलिंग बूथ पे जा रहा है यह एक रैंडम आधार पर कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा निर्धारित होता है, तो फिर वो सोशल मीडिया पे डाल रहा है।
आप ही अपने फोन का प्रयोग उस बूथ के बाहर ही करेंगे, बूथ के अंदर पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति फोन का प्रयोग नहीं करता है, और बूथ के अंदर के फोटोग्राफ्स को सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया जाना चाहिए। हमें पूरी आशा है कि आप सभी के सहयोग से हम लोग एक निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन कराएंगे। शुक्रवार को भगवान परशुराम जयंती चंद्रमा ऋषि आश्रम स्थित भगवान परशुराम मंदिर में अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण सभा, ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद, ब्राह्मण एकता परिषद इत्यादि संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से मनाई गई। मंदिर में स्थापित परशुराम जी की प्रतिमा का वैदिक रीति से पूजन कर उपस्थित लोगों ने माल्यार्पण किया। इस अवसर पर अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन एवं ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद आजमगढ़ के अध्यक्ष पंडित ब्रजेश नंदन पांडे ने कहा कि भगवान विष्णु के छठवें अवतार भगवान परशुराम पराक्रम के कारक और सत्य के धारक हैं। योग नीति एवं धनुर्विद्या के पारंगत परशुराम जी के जीवन से हमें अन्याय का विरोध करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने विधर्मी सहस्रार्जुन सहित अनेक नास्तिक राजाओं का वध करके समाज में व्याप्त असुरक्षा, आतंक और भय को समाप्त कर धर्म की स्थापना की थी। महान तपस्वी परशुराम जी चिरंजीवी हैं। त्रेता युग में श्री राम को शारंग धनुष और द्वापर में श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उन्होंने ही दिया था। जीएसटी कमिश्नर राजनाथ तिवारी एवं अन्य यजमान के हाथों आश्रम के महंत बम्बम गिरी की देखरेख में पंडित सुरेंद्र पांडे, पंडित सुभाष शास्त्री ने पूजन हवन क्रिया संपन्न कराया। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता अखिलेश मिश्र गुड्डू, ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित संजय कुमार पांडे, ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के महामंत्री पंडित मनोज कुमार त्रिपाठी, ब्राह्मण एकता परिषद के जिलाध्यक्ष पंडित भागवत तिवारी, पंडित शर्मानंद पांडे, पंडित विश्वदेव उपाध्याय, मालती मिश्र, आनंद उपाध्याय, अभिषेक पांडे, सतीश मिश्रा, मनीष मिश्रा, माहेश्वरी कांत पांडे, गिरीश चतुर्वेदी, गिरिजा सुवन पांडे, गोविंद दुबे, महंत संजय पांडे, सत्य प्रकाश तिवारी, पंचदेव पांडे सहित तमाम लोग मौजूद रहे। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, आतताइयों का अत्याचार बढ़ता है, तब तक भगवान विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। भगवान परशुराम ऐसे समय में उनका प्रकट हुआ था जबकि पूरे संसार में है वंशी शासकों का आतंक मचा हुआ था। सहस्रार्जुन के भय से गुरुकुल व्यवस्था बिगड़ रही थी, धर्म का नुकसान हो रहा था। ऐसे समय में भगवान परशुराम का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने अपने बल से, अकेले अपने बल से उन्होंने 21 बार आतताई शासकों का नाश किया। भगवान परशुराम बल, ज्ञान और तप के त्रिवेणी थे। आज ब्राह्मण समाज ही नहीं, संपूर्ण समाज को उनके जीवन से एक अद्भुत प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य को अन्याय के प्रतिकार के लिए सदैव आगे आना चाहिए। तो आज यह जो उनका संदेश है वह सदैव के लिए सबके लिए प्रेरणादायी है। कभी भी मनुष्य को अत्याचार अन्याय सहन नहीं करना चाहिए, उसके विरोध में मुखर होना चाहिए। माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर होता है, उनके चरणों में ही वैकुंठ धाम है के भाव के साथ दुनिया भर में मई के दूसरे रविवार को हर साल मदर्स डे मनाया जाता है। इस बार 12 मई को ये मनाया जाएगा और उसी क्रम में शुक्रवार को करतालपुर स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में मातृ दिवस कार्यक्रम बड़ी भव्यता के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल, प्रधानाचार्य मोनिका सारस्वत पांडे ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन किया। दीप प्रज्वलन के पश्चात बच्चों ने अतिथियों के स्वागत में स्वागत गीत प्रस्तुत किया। उसके पश्चात कक्षा 1 के नन्हे मुन्हे बच्चों ने आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किया।
विद्यालय के चारों सदन के छात्र छात्राओं ने क्रमशः राम आएंगे, मीठे रस है कथा संग्राम की उपालनहारे पर मनमोहक गीत प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में आई हुई सभी माताओं ने रैंप वॉक का भी आनंद लिया। कक्षा दो के नौनिहालों ने कार्यक्रम में चार चांद लगाने वाला मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में प्रतिभाग की हुई माताओं ने म्यूजिकल चेयर, फन गेम्स, लकी ड्रा आदि जैसे विभिन्न खेलों का लुत्फ भी उठाया। विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभाग की हुई विजयी माताओं को विद्यालय की निदेशिका एवं प्रधानाचार्य ने पुरस्कृत किया। विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल ने मातृशक्ति की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहा कि माँ के त्याग की गहराई को मापना किसी के लिए भी संभव नहीं है और न ही हम अपनी माँ के अमूल्य उपकारों और प्यार का बदला चुका सकते हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी माताओं की देखभाल करें और उनका सम्मान करें और उनसे प्यार करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में शुक्रवार को अकबरपुर बिलियागंज स्थित रेनबो नेशनल स्कूल में बच्चों के अधिकार व मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिससे मुख्य अतिथि के रूप में अपर जिला जज सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण धनंजय कुमार मिश्रा ने कहा कि आज 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी सार्वजनिक कार्यस्थल या दुकान पर काम कराना दंडनीय अपराध है। इसी के साथ उन्होंने सभी को मतदान अवश्य करने के लिए भी प्रेरित किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला प्रोबेशन अधिकारी ध्रुव चंद्र त्रिपाठी ने केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा बच्चों के विभिन्न कानूनी अधिकारों तथा योजनाओं की जानकारी दी। शिविर को खंड शिक्षा अधिकारी बिलियागंज रत्न शंकर पांडे, लोकदायित्व न्यास के संयोजक पवन कुमार सिंह ने भी संबोधित किया। विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर जेपी पांडे ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि क्या आज के बच्चे कल के नागरिक हैं? वर्तमान समय में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में हम सभी का कर्तव्य है कि घरों से निकलकर मतदान अवश्य करें। कार्यक्रम का संचालन सुनील दत्त विश्वकर्मा ने किया। अंत में विद्यालय की प्रधानाचार्य प्रियंका त्रिपाठी ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। जेरिम्स तनवीम स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। स्पेशल फीचर्स स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, एक्सपीरियंस टीचर्स मॉनिटरिंग विद सीसीटीवी कैमरा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गिव योर चाइल्ड ए क्वालिटी एजुकेशन। डेलिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड, आजमगढ़। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशन के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। सर्वोदया पब्लिक स्कूल निया RTO ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़, अफिलियेटेड टू CBSE। एडमिशंस ओपन फ्रॉम क्लासेस नर्सरी टू 9 एंड 11, जहां है हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, एडवांस लैब्स, मैग्निफिसेंट लाइब्रेरी, ह्यूज प्लेग्राउंड विद लश ग्रीन कैंपस, सेपरेट ग्राउंड फॉर प्री नर्सरी, सेपरेट क्लासेस अवेलेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। वी ऑल्सो ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स, music, smart classes and many more facility available. Lifestyle furniture, Belnadi, Ajamgarh। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED TV, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा,
सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचे लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आकाश ऑटो एजेंसी महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड पीयू हाफ एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल थ्री व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, अ CBSE बोर्ड कोएड इंग्लिश मीडियम स्कूल, अ प्लेस फॉर योर लवली किड्स इन योर नियर बाय विसिनिटी। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल focuses on the overall development of a child academically, psychologically as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th CBSE board.